राजस्थान सरकार ने जयपुर और जोधपुर के साथ 22 जिलों के कलेक्टर बदल दिए हैं। 52 आईएएस के तबादलों का आदेश कार्मिक विभाग ने जारी किया। मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव राजन विशाल का तबादला अब जयपुर के कलेक्टर पद पर कर दिया गया है। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का तबादला श्रम विभाग के कमिश्नर पद पर किया गया है। तो वहीं अलवर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया को नहीं बदला गया, उन्हें बदलने की चर्चाएं हालांकि चल रही थी। पाली के जिला कलेक्टर अंशदीप को अजमेर का जिला कलेक्टर बनाया गया है। लक्ष्मण सिंह कुड़ी को झुंझुनू कलेक्टर और राजेंद्र सिंह शेखावत को करौली कलेक्टर लगाया गया है। भगवती प्रसाद कलाल को सिरोही से हटाकर अब बीकानेर का जिला कलेक्टर बना दिया गया है। आबकारी आयुक्त जोगाराम का तबादला स्वायत्त शासन विभाग में सचिव के पद पर हो गया है। अखिल अरोड़ा को वित्त, आबकारी और टैक्सेशन के अलावा सूचना जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव का एडिशनल चार्ज सौंपा गया है। नवीन महाजन को राजस्थान कर बोर्ड अध्यक्ष पद के साथ राज्य बुनकर संघ के एमडी का चार्ज भी सौंपा गया है। नरेश कुमार ठकराल को वित्त व्यय विभाग के सचिव के साथ ही युवा और खेल मामले विभाग के सचिव का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में कल बड़ा बदलाव किया। आपको बता दें कि चर्चाएं चल रही थी, जिस तरीके से 52 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ उसमें ननुमल पहाड़िया का भी एक तरीके से नाम सामने आ रहा था कि उनका तबादला किया जाएगा, लेकिन उनका तबादला नहीं किया गया है अभी भी। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी मनीष चतुर्वेदी इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए बड़ा बदलाव हुआ है ब्यूरोक्रेसी में, 52 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, और सबसे जो एक तरीके से जानकारी सामने आ रही थी, जो ननुमल पहाड़िया जयपुर के दौरे पर थे और जयपुर में रुके थे, लगातार जानकारी आ रही थी कि अलवर के मामला सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं उनका अब ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उन्हें बदला नहीं गया है। इसके अलावा कौन बड़े चेहरे यहां पर इधर से उधर किए गए हैं मनीष? राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हुआ है। बात करें ननुमल पहाड़िया अलवर कलेक्टर की, जो फिलहाल चर्चाओं में रहे हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये भी एक चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन ये जो इस पे सवाल अभी फिलहाल अगर खड़े हो रहे हैं कि ये ट्रांसफर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है कि अगर ये ट्रांसफर किया जाता तो इसको फिलहाल जो रेप केस हुआ अलवर के अंदर उससे जोड़कर देखा जाता। ऐसे में सरकार जो है ऐसा नहीं करना चाहती थी, सरकार की ओर से यह ट्रांसफर नहीं किया गया। इसके अलावा बात करें राजस्थान के अंदर जो 52 आईएएस के ट्रांसफर किए गए हैं तो लगभग करीब माने तो लगभग सभी जो जिला कलेक्टर है वो यहाँ पे करीब करीब वो बदल दिए गए। 23 यहाँ पे जिला कलेक्टर यहाँ पे बदले गए। 23 जिला कलेक्टर के अंदर जयपुर जो कलेक्टर है अंतर सिंह नेहरा, उनको भी यहाँ से हटाकर नई जिम्मेदारी श्रम विभाग के अंदर आयुक्त की लेबर कमिश्नर उनको बनाया गया है। और इसके साथ ही जयपुर जो जिला कलेक्टर हैं राजन विशाल, अब जयपुर जिला कलेक्टर की नई जिम्मेदारी दे गए हैं। इसके साथ ही टी रविकांत जो है सीनियर आईएएस है, उनको उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव की यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। और भवानी सिंह देता है अब उच्च शिक्षा सचिव होंगे, और आशुतोष एडी पेड़नेकर को अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे में सचिव की जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है जी। इसके साथ ही दीपक रंजी को कोटा का संभागीय आयुक्त बनाया गया है, और सीनियर आईएएस अखिल अरोड़ा है उनको यहाँ पे अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव का यहाँ पे उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। और नवीन महाजन और नरेश कुमार ठकराल इनको भी एडिशनल में जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है। और बड़ी बात इसके अंदर कई जैसे कई इंपोर्टेंट जो पॉइंट अगर वो आते हैं तो उनके अंदर एक बात ये भी है कि जो राजसमंद कलेक्टर है अरविंद पोसवाल, वो 3 साल वहां पे रहे हैं। 3 साल एक बड़ा कार्यकाल होता है किसी भी कलेक्टर के लिए एक जगह रहना। 3 साल बाद में भी उनको नागौर कलेक्टर के तौर पे जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि 3 साल बाद वो फिर एक बार कलेक्टर बना है। ऐसे में राजस्थान के 23 जिले जो है, 23 जिलों के अंदर भी कलेक्टर यहाँ पे चेंज किए गए, जिनके अंदर 4 महिलाएं शामिल है। जिनके अंदर प्रतिभा सिंह को जैसलमेर का कलेक्टर बनाया गया है, और लक्ष्मण सिंह कुड़ी है झुंझुनू के कलेक्टर होंगे, राजेंद्र सिंह शेखावत करौली कलेक्टर होंगे, भगवती प्रसाद कलाल बीकानेर कलेक्टर होंगे, ताराचंद मीणा उदयपुर कलेक्टर होंगे, और हरिमोहन मीणा कोटा कलेक्टर होंगे, नरेंद्र गुप्ता बारा कलेक्टर होंगे। इसी तरीके से जो 23 कलेक्टर हैं वो राजस्थान के अंदर चेंज किए गए हैं जी। बिल्कुल, चलिए मनीष बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।